लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ऑफ एक्सरसाइज थ्री ई दैट इज लीनिंग क्वेश्चन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज इफ टू द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज अगर टू टाइम्स ऑफ सन्स एज फादर की एज में एड की गई द सम इज सेवेंटी तो सम कितना आएगा सेवेंटी आएगा बट इफ टू द फादर एज लेकिन टू टाइम्स अगर फादर की एज ऐड की गई सन सन सं की एज में तो सम आएगा नाइन्टी फाइव फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन हमें एज निकालनी है फादर और सन की तो हमने कहा लेट द फादर एज बी एक्स हमने फादर की एज को एक्स मान लिया एज बी एक्स एंड सन की एज को हमने वाई मान लिया बी वाई ईयर्स ईयर्स लगा देंगे राइट right? ईयर्स अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते रहेंगे अब कह रहा है इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स सन की एज कितनी थी वाई तो ट्वाइस कह रहा है तो टू वाई हो गई राइट अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है इज एडेड टू द फादर एज द सम इज सेवेंटी इज एडिड टू द फादर एज फादर की एज थी एक्स तो एडिड हो गई फादर की एज में तो सम आ गया सेवेंटी ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है इफ़ टवाइस द फादर एज फादर की एज ट्वाइस फादर की एज थी एक्स तो उसका ट्वाइस तो टू एक्स राइट आगे क्या कह रहा है इज एडिड टू द सन्स एज द सम इज नाइन्टी फाइव सन की एज में एड हो गई प्लस वाई तो वो हो गया 95 फाइव राइट ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब आप देखेंगे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सेवेंटी और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन्टी फाइव तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाइंग equation 1 by टू तो ये कितना आ गया 2x एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू वन और ये कित ये एज इट इज आ गई नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू नाइन्टी फाइव साइन चेंज हो गए क्योंकि सेम थे दोनों के 2x एक्स के टू के आप अब y की टर्म्स देखिए तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइन है इसी तरीके कॉन्स्टेंट भी तो 10 में से 5 गया 5 13 में से 9 गया फोर तो y कितना आ गया 3y हमारा था 45 तो y आ गया हमारा 45 फाइव डिवाइडेड बाय थ्री दैट इज फिफ्टीन तो अपोटिंग

तो हमने x किसे माना था फादर की एज को तो फादर एज कितनी आ गई फादर एज इक्वल्स टू फोर्टी ईयर्स और सन की एज कितनी आ गई सन एज आ गई हमारी दैट इज फिफ्टीन ईयर्स इज द आंसर